ग्रामर की, जिसमें हम जानेंगे सिंटैक्स। ये होता क्या है, ये आपके लिए नया होगा अगर आप हाई स्कूल से 11th क्लास में आए हैं। अगर आप 11th से 12th क्लास में हैं तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए इसी का हम जानने वाले हैं, ये सिंटैक्स होता क्या है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। रूल 1 जिसमें आता है नाउन। तो नाउन तो आपने सब पढ़ा होगा नाउन के बारे में। तो जैसे हमने पढ़ा है नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, तो ये इसी प्रकार से इसमें भी आते हैं। तो रूल है नाउन, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि सिंगुलर, सिंगुलर में यूज करते हैं और उनका प्रयोग प्लूरल में नहीं होता। प्लूरल में नहीं होता। अब सिंगुलर वर्ड कौन से हैं, जैसे कि फर्नीचर, फर्नीचर को फर्नीचर लिखेंगे, प्लूरल में नहीं लिख सकते। और पोएट्री, एडवाइस, कॉमा, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सक्सेस, और यहाँ पर है प्रोग्रेस। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको हम सिंगुलर में लिख सकते हैं, प्लूरल में नहीं लिख सकते। तो ये तो हो गया नाउन में। अब इसी का एग्जांपल देखिए, तो इसको हम नंबर 1 में डाल लेते हैं, ठीक है। इसको आप हेडिंग में लिखना, रूल नाउन का। अब एग्जांपल, एग्जांपल में जैसे कि माय फादर gives me good advices। अब जैसे कि ये लिखा है, इसको करेक्शन करना है इसमें, इस सेंटेंस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम सिंगुलर में यूज़ करते हैं, प्लूरल में यूज़ नहीं करते हैं। तो इसमें देखिए ये दिख रहा है एडवाइसेस। तो एडवाइसेस में क्या है, इसको हम प्लूरल में यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये प्लूरल में आ रहा है तो इसको हम सिंगुलर में लिखेंगे। बस इतना सिंपल हमें करना है, हो जाएगा ये करेक्शन। तो माई फादर गिव्स मी गुड एडवाइस, ठीक है, एक एग्जांपल हो गया ये। अब जैसे कि यहाँ पर आ जाए फर्नीचर्स, जैसे इसके साथ आ जाए कोई भी, जैसे यहाँ पर आ गया एडवाइसेस। एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं, तो फिर आपको अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो एक और देखिए ये वाला, एक और, योर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग। तो देखिए जो मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं, ये फर्नीचर, पोएट्री, एडवाइस, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, सक्सेस, प्रोग्रेस, तो ये गिने चुने कुछ वर्ड हैं जिनको जो सेंटेंस में आते हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। एक मिनट, यहाँ पर इसको तो हमें कनेक्शन करना है ना, तो इसमें आ जाएगा एस। जैसे इंफॉर्मेशन है तो इसमें एस आ गया, यानी ये प्लूरल हो गया। लेकिन हमने क्या जाना कि सिंगुलर में यूज़ करते हैं ये वर्डों को। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, योर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर हमने गिने चुने वर्ड्स लिखे हैं। इंफॉर्मेशन आर रॉन्ग। दूसरा रूल, कुछ वर्ड्स
देखने में होते हैं रूलर। और करेक्शन करते हैं कैसे, करेक्शन करते हैं सिंगुलर। एग्जांपल देखिए आप, ये मैंने कुछ वर्ड्स लिख लिए हैं जो गिने चुने हैं, ये देखने में कैसे हैं प्लूरल, जैसे न्यूज़। अब न्यूज़ से अब हम पढ़ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी सारी न्यूज़ है, बोलने में लग रहा है कि ये प्लूरल लग रहा है हमें। अब जैसे ये भी लिखा है पॉलिटिक्स, ऐसा आ रहा है ना, तो हमें ये प्लूरल लग रहा है, लेकिन हमें इसको यूज़ करना है इसी में, ट्रांसलेशन में, मतलब सिंगुलरी में है ये, बोलने में और सुनने में लग रहा है प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर। चलिए एग्जांपल, गुड न्यूज आर ऑलवेज वेलकम। तो अब गुड न्यूज इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब जैसे ये आर है तो आर को हम कर देंगे इसमें, क्योंकि ये सिंगुलर है। अभी हमने बात की यहाँ पर कि जो प्लूरल में देखने लगता है एक्चुअल में वो सिंगुलर ही है, जैसे ये प्लूरल लग रहा है न्यूज़, तो है सिंगुलर। अब ये जब सिंगुलर है तो आर कहाँ से आ गया, आर आता है प्लूरल के लिए, ठीक है, इतना आपको आ गया होगा। इस क्यों आया ऑलवेज वेलकम, तो आपको आ गया कि इसमें से हमने क्या हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, बल्कि वर्ड जो है वही है, आर की जगह इस कर दिया, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं देखने में प्लूरल हैं लेकिन है सिंगुलर, इसलिए हम सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी है। तीसरा रूल, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन उनका प्रयोग करते हैं हम प्लूरल में, तो देखने में कैसे हैं लिख देते हैं शॉर्ट में, देखने में कैसे हैं सिंगुलर, और करेक्शन करते हैं करेक्शन करते हैं प्लूरल में करते हैं। तो एक लाइन में मैंने आपको पूरा ये रूल बता दिया है कि देखने में है सिंगुलर और प्रयोग करते हैं प्लूरल। तो चलिए मैं आपको वर्ड लिख देता हूँ, फिर हम एग्जाम के थ्रू समझते हैं। इस एग्जाम्पल की ये होगा है कुछ वर्ड्स जो कि दिखने में सिंगुलर हैं और अगर हम इसको करेक्शन करेंगे तो प्लूरल में करेंगे। आपने क्वेश्चन आंसर में भी पढ़ा होगा इंग्लिश के, उसमें पीपल, तो कभी ये लिख के नहीं आया होगा पीपल के स्थान पर पीपल्स, ऐसे लिख के नहीं आया होगा, तो इनका प्रयोग कर लेते हैं हम प्लूरल में भी, जैसे चिल्ड्रन है, फीड है, टीथ है। तो चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, ये वाला लेते हैं वर्ड, पहला वाला, कैटल, ये है, इसको अब देखो इसको क्या लिखते हैं प्लूरल में लिखते हैं। अब जैसे सिंगुलर है तो इसमें हम एस लगा देंगे, तो आर ब्रीजिंग इन द फील्ड, तो इसमें एस लगा हुआ है यानी सिंगुलर है, प्लूरल में करते हैं। अब ये तो पहले से ही प्लूरल है तो इसको हम एस क्यों, इसको हटा नहीं सकते, बिल्कुल हटा सकते हैं, तो कैटल आर लगा है यहाँ पर, तो कैटल ये तो पहले से ही प्लूरल है, ये जो वर्ड देख रहे हैं आप ये प्लूरल ही हैं लेकिन बोलने में लग रहे हैं सिंगुलर, तो इसमें एस था ना, हटा दिया एस। अब ये प्लूरल है, जब ये प्लूरल वर्ड है तो हम आर लगा सकते हैं, अगर ये सिंगुलर होता तो हम एस लगाते, तो आर लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है। फिर ब्रेजिंग इन द
फील्ड। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। देखिए अगला रूल, अगला रूल में क्या है, अभी हम सिंगुलर और प्लुरल की को लेकर चल रहे थे, देखने में सिंगुलर है प्लुरल है इस तरीके से। अब सिंगुलर और प्लुरल दोनों देखते हैं समान। तो कुछ वर्ड हैं जैसे कि पहले हम ये लिखते हैं एक लाइन में रूल कि सिंगुलर और प्लुरल दोनों समान दिखते हैं। जैसे कि शीप और हेयर, अब हेयर एस लग जाएगा तो वो ही गलत हो जाएगा, फिर हेयर को हेयर बोलेंगे, हेयर में देखो कितने सारे बाल आ जाते हैं तो हेयर ही बोलते हैं। कुछ वर्ड ऐसे ही हैं जिनको हम समान रूप से देख सकते हैं। अगर सिंगुलर एक बाल है तब भी हम हेयर बोलेंगे, और अगर ज़्यादा बाल हैं तब भी हम हेयर बोलेंगे। फिश, अगर ज़्यादा मछली हैं तब भी हम फिश बोलेंगे, और एक मछली तब भी हम फिश बोलेंगे। डीर, तो ये वर्ड है, एक और लिख लीजिए सरनाई। एग्जाम्पल देखिए आप, तो हिस हेयर यानी बाल, तो इसमें एस लगा देता हूँ मैं, ऐसे ही आएगा एग्जाम में भी, तो आपको करेक्शन करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको मालूम है हेयर जो है हेयर ही लिखा रहता है, इसमें एस में एस कुछ नहीं लगता है। ठीक है, सिंगुलर प्लुरल दोनों समान है, क्योंकि तो हेयर आर कैसा है ब्लैक, ब्लैक हैं, किसी के ब्लैक होते हैं किसी के ब्राउन होते हैं, तो इस अब ये इसमें आया एस, तो एस नहीं आएगा क्योंकि हमने तो देखा है तो समान है, तो इसमें आ जाएगा हेयर आर ब्लैक। अब हम एस हटा दिया इसमें तो ये प्लुरल मानेंगे। आप क्या मान के चल रहे हैं, प्लुरल की सिंगुलर, प्लुरल मान के चल रहे हैं तो आर ठीक है, सिंगुलर मान के चल रहे हैं तब भी आर चलता है क्योंकि इसको हम दोनों समान मान रहे हैं। तो ये कुछ वर्ड हैं शिप हेयर फिश डियर सरनाइन। तो वर्ड को आपको मेन टारगेट करना है तभी आप करेक्शन कर पाएंगे। अब देखिए पांचवा रूल, अब जैसे कुछ नाउन होते हैं जो दो भागों से मिलकर बने होते हैं, यानी कुछ वर्ड होते हैं जो दो नाउनों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन हम उन्हें लिखते हैं प्लुरल में। चलिए इसको भी लिख लीजिए कि दो नाउन से मिलकर बनते हैं, दो नाउन से मिलकर बनते हैं और लिखते हैं, मैंने लिखते हैं कैसे प्लुरल इसमें लिखते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग किसके, जब हम लिखेंगे प्लुरल में तो इसी के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम प्रयोग करेंगे। तो चलिए मैं आपको वर्ड लिख देता हूँ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, इसे इसका मतलब होता है चश्मा। और फिर टंग्स ट्रोगर्स और एक है जीन्स जाइनस शॉर्ट्स और है साइंस शॉर्ट्स। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका, दिस साइंस शॉर्ट is not sharp, sharp यानी नुकीला। तो
लिखेगा वही बस। अब जैसे यहाँ पर एस आता है, इसमें एस नहीं लगा है, लेकिन जियो में ना यहाँ पर आपको बताया इसमें एस लगा हुआ है, तो फिर आपको इसमें कर देना होगा एस, बस इतना ही करना है। और ये हमारा हो गया करेक्शन। बहुत सिंपल है, जो जो मैं आपको रूल बता रहा हूँ उसमें जो ये वर्ड बता रहा हूँ वो सेंटेंस में आते हैं, और जब सेंटेंस में आ जाएं तो फिर आपको अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि ये किस रूल का कौन सा वर्ड है, इसको हमें किस तरीके से करेक्शन करना है। चलिए अब जानते हैं सिक्स वाला। सिक्स वाले में क्या होगा कि अगर कोई व्यक्ति है, पर्सन और अखबार यानी न्यूज़पेपर, विषय यानी सब्जेक्ट, इसमें एस या ईएस हो, शॉर्ट में लिखते हैं व्यक्ति अखबार और विषय, तो इन सब का क्या है, ई एस या ईएस, ठीक है, एस या ईएस, एस या ईएस लगा हुआ है। व्यक्ति अखबार विषय ये वर्ड है, इसमें अगर एस या ईएस लगा हुआ है तो उनका प्रयोग हमेशा हम सिंगुलर में करते हैं, प्रयोग सिंगुलर। तो हमने एग्जांपल लिखा है द टाइम ऑफ इंडिया आर पॉपुलर डेली, तो ये एक तरह की न्यूज़ हो गई है। अब जैसे कि मैंने देखी कि आपका बोला था आपसे व्यक्ति अखबार विषय, इसमें एस या ईएस लगा हुआ है इनमें, ठीक है, तो प्रयोग करते हैं हम सिंगुलर में। लेकिन अगर ईएस एस ए लाइन लगा हुआ है तब भी हम इसे सिंगुलर में लिखेंगे। तो जैसे द टाइम ऑफ इंडिया आर पॉपुलर डेली, तो उसमें जो आर आ रहा है बस केवल इसको हमें चेंज कर देना है, द टाइम ऑफ इंडिया इज पॉपुलर डेली। तो ये इस तरीके से हमें करेक्शन करना है। अब जैसे एक और देख लीजिए, मैथमेटिक्स है, तो जैसे इसमें एस नहीं लगा है, एस नहीं लगा है या ई एस नहीं लगा है, तो आपको मालूम है मैथमेटिक्स की स्पेलिंग होती क्या है, तो इज अ गुड सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स हो जाएगा फिर इज अ गुड सब्जेक्ट। तो इसमें क्या था, सिंगुलर में तो लिखा ही था ये, दूसरा एग्जांपल जो हमने लिया, लेकिन इसमें जो एस नहीं लगा था हमने वो लगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। सिक्स हो गया। अब देखिए सेवन जो रूल होगा इसमें क्या करेंगे, निश्चित संख्या बताने वाले नाउन के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाएंगे। इसमें तो हमने लगा दिया ना, मैथमेटिक्स में एस लगा दिया, लेकिन उसमें हम नहीं लगाएंगे, तो लिख लेते हैं निश्चित संख्या बताने वाले नाउन के साथ हम एस या ई एस नहीं लिखेंगे। तो एग्जांपल, ही स्पेंट 10,000 रुपीस। तो इसमें निश्चिंत दिया हुआ है क्या, ये 10,000, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ही स्पेंट 10
थाउजेंड थाउजेंड रुपी। अब जो इसमें लगा था ना ये एस, तो रुपीस, अब जैसे ये इसमें बता रहा था निश्चिंत, निश्चिंत कितना 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज एक निश्चिंत हो गया। तो हमने इसमें लिखा था कि एस या ई एस नहीं लिखते हैं, तो रुपी है ना, रुपीस हो गया था, यहाँ पर एस लग गया था, तो यहाँ पर हमने एस हटा दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, केवल रुपी हो गया। तो नाउन के जो अंतर्गत आते हैं रूल वो हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम जानते हैं रूल्स ऑफ प्रोनाउन। अभी हमने जाना था नाउन, अब हम जानना है प्रोनाउन। तो जो इसके अंतर्गत जितने भी रूल आएंगे वो मैं आपको सारे बताने वाला हूँ। तो पहला रूल, प्रोनाउन में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जैसे कि लेट के बाद प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। जैसे लेट, लेट के बाद प्रोनाउन आ गया तो उसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे ही, ही को क्या लिखेंगे, हिम। सी को क्या लिखेंगे, हर। तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। चलिए, तो पहला रूल हो जाएगा इसने कि लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में यूज करेंगे। एग्जांपल, एग्जांपल से बहुत इजी तरीके से आता है समझ में। जैसे मैंने लिखा लेट ही गो टू कॉलेज। अब आपको रूल मालूम है तो बस आप क्या करोगे, लेट ही की जगह क्या कर दोगे, हिम, गो टू कॉलेज, बहुत सिंपल है। चलिए अब इसका जानते हैं दूसरा, इतना तो आप कर लोगे। एक और बताऊं, एक और देख लीजिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ तो शुरुआत में आ गया था, अब देखिए थोड़ा बीच में आ जाएगा। जैसे कि पहला रूल, पहला एग्जांपल ये हो गया, दूसरा देखिए लेट अरुण, अब इसमें एक नाम आ गया, ठीक है, लेट अरुण एंड आई, आई क्या है, एक सब्जेक्ट हो गया, स्टडी नाउ, ये हो गया। तो अब इसमें देखिए कैसे लेट आई का क्या हो जाएगा, मी स्टडी नाउ। तो केवल आपको इसमें करना है आई की जगह मी, लेट अरुण एंड मी स्टडी नाउ। अगला रूल लिखा मैंने कि दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर, इसका मतलब होता है आपस में। तो दो व्यक्तियों के लिए ईच अदर, दो से अधिक व्यक्तियों के लिए वन अदर यूज करते हैं। अब एग्जांपल देखिए, फिर देखिए आपको कैसे आता है। एग्जांपल में जैसे मैंने लिखा टू स्टूडेंट, अब जैसे शुरुआती में आपको पता चल गया इसमें कितने स्टूडेंट है, टू, टू स्टूडेंट आर टॉकिंग टू वन एन अदर। अब जैसे कि आपको मालूम है जब दो व्यक्तियों की बात हो रही होती है तो उसमें हम लगाते हैं ईच अदर, जब ईच अदर लगाते हैं तो इसमें वन अदर कहाँ से आ गया, है ना, तो टू स्टूडेंट की बात हो रही है यानी इसमें हम लगाएंगे ईच अदर, टू स्टूडेंट आर टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है, ये लगाएंगे। अब जैसे कि ईच अदर आ जाए, स्टूडेंट्स आ जाए स्टूडेंट, तो फिर आपको वन अदर लगाना है, इसी का उल्टा हो जाएगा। चलिए तो मैं एक बार एक करके बताता हूँ, जैसे एक और एग्जांपल, सम बॉयज आर, इसमें लिखा है सम, सम यानी कुछ, तो हम पूरा
क्लियर नहीं कह सकते हैं कि दो हैं या दो से अधिक हैं। तो अधिक को लेकर चलेंगे हम, दो से अधिक। तो सम वॉइस आर फाइटिंग विथ ईच अदर, ईच अदर, ईच अदर आ गया। तो ईच अदर की जगह आप क्या कर देना, वन अदर, क्या कर देंगे, वन अदर। ये सेंटेंस हो गया कंप्लीट। यहाँ आपको सेम उतार देना है, ये सम बॉयज आर फाइटिंग विद वन अदर, ये भी कंप्लीट हो गया। तो इसके हमारे दो रूल हो गए हैं। अब देखिए तीसरा, तीसरे में है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं होते हैं, बल्कि उससे जो पहले सब्जेक्ट जो है वह प्रयोग होता है। ये देखिए मैंने रूल लिख दिया है जो मैंने अभी आपको बोलकर बताया, सेम उसी भाषा में, ठीक है, जिससे कि ईजी लगे आपको, ईजी भाषा में मैंने लिखा है। अब एग्जांपल, जैसे यहाँ पर आ गया माई सेल्फ, यानी मेरे बारे में, माई सेल्फ फिनिश्ड दिस वर्क, और इस माई सेल्फ के स्थान पर यहाँ पर आई आ जाएगा, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट हो रहा है वो ये हो रहा है माई सेल्फ। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कभी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। तो इसके बाद हमें सब्जेक्ट लाने के लिए हमें इसको परिवर्तित करना है किसमें, आई में। तो माई सेल्फ हो गया किसमें, आई में, फिनिश्ड दिस वर्क। तो अगर आपको ये जानना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट क्या होता है और ये किस तरीके से परिवर्तित हुआ, तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने आपको पढ़ाया है आप देखना जरूर, इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है चैनल में, तो उसमें देखना आप जो डायरेक्ट 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 इनडायरेक्ट मैंने पढ़ाया, उसमें एक टेबल बनी हुई है प्रोनाउन की, मतलब जैसे ही है तो ही कैसे ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम, और फिर उसका सी का हर। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है, एक टेबल बताई है पूरी, तो वो आप नोट कर लेना तो आपको ये इजी हो जाएगा, माई सेल्फ किस में हो गया, आई में। अब देखिए अगला रूल, इट इस और इट वॉस, इट इस या आ जाए या इट वॉस के बाद प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। अब जो वर्ब होगी वो उसी के अनुसार होगी जो हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल, इट इस लेते हैं, इट इस, तो इट वॉज भी आ सकता है, इट इस के बाद हिम, हिम क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। शुरुआत में ये आएगा इट वॉज या इट इस, फिर इसके बाद आएगा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, तो प्रोनाउन इसमें क्या हो गया, हिम, हिम यानी ये ऑब्जेक्ट हो गया ही का, हू टेल अ लाई। तो ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा, इसमें हमें चेंज नहीं करना कोई भी, जैसे यहाँ आ जाए इट वॉस या इट इस, तो इसमें आया इट इस, हिम चेंज होगा ही में, और हु जो है इसी प्रकार लिखा रहेगा, और टेल आ लाई। तो बस केवल हमें ये चेंज करना पड़ा, तो किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर हर लिखा होता एच ई आर, तो यहाँ पर आ जाएगा सी, इट इज मी। अब जैसे मी आ गया, तो मी किस में हो जाता है, आई में। वो टेबल है, अगर आपने वो टेबल नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, तो तभी आप करेक्शन कर पाएंगे। ये हमारा एग्जांपल हो गया, इट इज मी किस में, आई में, इज गोइंग। अच्छा देखिए,
आप भी ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ी मिस्टेक हो गई है, तो पहले आप सोचिए इसमें क्या मिस्टेक हो गई है। रूल देखते हैं इसमें, इट इज़ इट वॉज के बाद प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, अगर जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करेंगे। वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, लिख लीजिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इसमें इसमें तो थी नहीं, तो इसमें आ गया, इस आ गया, तो इसमें सब्जेक्ट क्या था, मी था, ऑब्जेक्ट था, तो इसका बनाया सब्जेक्ट यानी आई, तो आई के साथ क्या जाता है, एम। इस तरीके से ध्यान रखना होता है। अब ये तो है क्वेश्चन वर्ड, तो ऐसे लिखा रहेगा। चलिए दूसरा एग्जांपल हो गया। अब देखिए फाइव रूल, रूल है सम सच के बाद अस, ये ए एस अस यूज करते हैं, दैट विच या हु का प्रयोग नहीं करते हैं। अब इनका प्रयोग हम नहीं करेंगे, इनका प्रयोग जब हम नहीं करेंगे तो यही फिर एग्जामिनर देगा आपको सेंटेंस में। देखिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में दिस इज द सम कार, अब इसमें से आ जाएगा दैट आ जाएगा या हु आ जाएगा या विच आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा विच ले लेते हैं, विच माई फ्रेंड बोट लास्ट मंथ, लास्ट मंथ, तो इसके इसके स्थान पर हम कर देंगे एस, दिस इज द सम कार अस माई फ्रेंड, फ्रेंड के बाद बोट लास्ट मंथ। देखिए अब अगला रूल है आइदर और या नाइदर और, इसके साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, अगर आइदर और नाइदर ये है तो इसका मतलब होता है या तो, और इसका मतलब होता है और का मतलब होता है या, तो या तो ना तो, नाइदर नाइदर का मतलब होता है ना तो, इसका मतलब होता है या तो ये है इसके साथ तो सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पर हम वर्ब प्रोनाउन सिंगुलर यूज़ करते हैं, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम सिंगुलर ही प्रोनाउन यूज़ करेंगे। चलिए एग्जांपल, आइदर द टीचर, टीचर और द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आर गोइंग, गोइंग टू देयर हाउस। तो अब हमें इस पे ध्यान दिया, तो इसमें हमने क्या कहा है कि जो वर्ब प्रोनाउन है वो सिंगुलर यूज करते हैं, तो इसमें जो वर्ब प्रोनाउन है यहाँ पर ये कॉमा लगाइए, ठीक है, तो अब आपको आएगा, देखिए वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब किसमें आर आ रही है, क्या कहा है सिंगुलर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, यानी आर किस लिए आता है, प्लूरल के लिए आता है, लेकिन सिंगुलर यूज़ करना है। और देखिए यहाँ प्रोनाउन, इसमें प्रोनाउन क्या है दे आर, और प्रोनाउन इसमें क्या हो जाएगा सिंगुलर, यानी ये तो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो इसको हमें सिंगुलर करना है, बस इसको चेंज करना है और इसको चेंज करना है, दो चीज़ों को हमें चेंज करना है, बस हो गया हमारा कंप्लीट सेंटेंस। इसी प्रकार हम इसमें करेंगे ना इधर आ जाया ना इधर, ठीक है, टीचर, टीचर और द प्रिंसिपल, आर के स्थान पर इस गोइंग टू
इसके देयर किस स्थान पर आ जाएगा, हिज, ठीक है, इसका ये हो जाएगा हिज हाउस। आप जानते हैं सेवन रूल कि अगर देन और अस आ जाए तो इसके बाद जो प्रोनाउन है हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। तो अब देखिए इसमें एग्जांपल होगा ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर ये हो गया प्रोनाउन। तो ये तो ऐसे लिखा रहेगा ही इज मोर इंटेलिजेंट देन सी। प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। सी हो गया, हर का क्या कर दिया सी। तो दूसरा देखिए आप, जैसे आई एम नॉट सो रिच अस हिम, तो यहाँ पर जो हिम है इसको बदल देंगे हम, बाकी जो सेंटेंस है वैसे ही लिखा रहेगा आई एम नॉट सो रिच अस हिम, जो किसके लिए होता है हिम, ही के लिए, ही हो गया। तो सेवन ये हो गया हमारा रूल। अब इसमें देखिए क्या गया था, देन और अस के बाद, देन और अस के बाद ये कंडीशन हम करते हैं, इसमें आ गया था अस, इसमें आ गया था देन, ठीक है, तभी हम करते हैं ये, अगर देन अस नहीं होगा तो नहीं करेंगे हम। अगला रूल है सब्जेक्ट के रूम में अगर हिज प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर हम ऑनेस प्रयोग करते हैं, फिर हम ये प्रयोग नहीं करेंगे, हिज नहीं लगाएंगे। तो अब देखिए सेंटेंस कैसा दिया होगा, एग्जांपल में वन शुड हेल्प हिज फ्रेंड्स। तो अब इसमें हिज है यहाँ पर, ये तो सब्जेक्ट के रूप में हिज का प्रयोग किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे ऑन हिज, बाकी जो सेंटेंस है उसको ऐसे लिख देंगे वन शुड। ये हमारा कंप्लीट हो गया है प्रोनाउन का। आगे जो है करेंगे हम वर्ब फॉर एडवर्ब है, काफ़ी है इसके और हैं रूल, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।